आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जब आप हॉट व्हील्स की कोई भी पैक खरीदते हैं तो उसको आप कैसे चेक करें। आप पहले देखें हॉट व्हील्स, द लोगो ऑफ द हॉट व्हील्स कार ऐसा होता है कुछ, पर ये गलत लोगो है। लोगो कुछ इस तरह का होता है हॉट व्हील्स कार का, उसमें एस हमेशा होता है और हर लेटर को आप अच्छे से देखें। अगर उसमें एक भी लेटर मिसिंग है तो आप समझ जाए कि वो एक फेक कंपनी की कार है। इस कार को अगर हम देखें, इस पैक को देखें, तो ये पूरा दिखने में सेम पैक है हॉट व्हील्स का, पर एस मिसिंग यानी फेक कार। और फिर अगर हम बैक की बात करें तो बैक में हमेशा हॉट व्हील्स में पीछे लिखा रहता है कि वो कहाँ पे बनी है, जर्मनी में बनी है तो जर्मनी का लिखा रहेगा, और कुछ इस तरह का एक भी फ़ोटो वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इधर की बात करें, यहाँ राइट साइड की बात करें, तो ये पूरा ही फेक है क्योंकि यहाँ पर मेड इन चाइना लिखा है, इसलिए आप इस धोखे खाने से बचें। और रियली अगर हम देखें तो अंदर की बात करें, फेक कार से पैक से क्या होता है, कार पे आते हैं तो कार में भी बहुत ज़्यादा फेकनेस है। ये कार है, फेक कार है हॉट व्हील्स की, और ये है न्यू कार। हम देखें तो कितनी क्लियरिटी है, इसमें लिखा है मेड इन थाईलैंड, मेड इन डेट, और ये बिल्कुल प्लेन है, और ये मेटल कितना हल्का है, और ये मेटल कितना अच्छा है हमारे। और सबसे बड़ी बात, हॉट व्हील्स कभी कोई भी गाड़ी बनाता है तो उसमें टायरों पर एक अलग सा रबड़ होता है, पतला रबड़, जिसमें बिल्कुल नहीं है, इसलिए फेक कार है। हम देखते हैं कार की क्लियरिटी है कुछ नहीं, इसमें कारों में कोई क्लियरिटी नहीं है, पर ये दिखने में ऐसी लगती हैं कि ये हॉट व्हील्स की करेक्ट कार है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप हॉट व्हील्स की कार लें तो देख कर लें, और हमेशा सही तरीके से कार्स को लें। जैसे कि आज हमने इस कार को लिया और हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, सांप कभी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। कैमरा पर्सन साथ भी के साथ अंश भदौरिया रिपोर्ट।